सो गायज वेलकम बैक टू चैनल आज हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ठीक है एंडोमेट्रियल हाइपरट्रोफी रिसेंटली मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों तो को बताया था मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बेसिकली क्या है ए मेलेग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ठीक है ये चीज़ आपको याद रख लेना है सपोज दिस इज द सपोज दिस इज द यूटेरस ओके सपोज दिस इज द यूटेरस एंड हेयर इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक है सर्विक्स तक नहीं आना है तो एक कैंसर दैट अराइज फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज नोन एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो कहा कि बिकॉज एंडोमेट्रियल कैंसर प्रेजेंट विद ऑबियस सिम्टम्स अगर एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ तो सिम्टम बहुत ही जल्द दिखना शुरू हो जाता है तो इस कारण ये जल्दी डायग्नोज होता है अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है लाइफ टाइम रिस्क इससे थ्री परसेंट होता है और मोर देन फिफ्टी ईयर्स एज में एंडोमेट्रियल कर्सनोमा ज़्यादा पाए जाते हैं एम के हिसाब से ये क्वेश्चन आता है ठीक है तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं एंडोमेट्रियल कर्सिनोमा टाइप वन जो कि मोस्ट कॉमन है ठीक है इससे एम सी क्यूज आते हैं ठीक है थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और टाइप टू ठीक है टाइप टू और टाइप वन टाइप वन में क्या होता है ये एक स्ट्रोजन डिपेंडेंट न्योपोलिज्म है इस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्योपोलिज्म मतलब दैट बिगिंस विद द पोलिफोरेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू मतलब एंडोमेट्रियम कर्सिनोमा होने के लिए फॉर एंडोमेट्रियम कर्सिनोमा होने के लिए बॉडी पे इस्ट्रोजेन का मात्रा ज्यादा होना जरूरी है इसलिए इसे कहा गया है कि ये एक इस्ट्रोजेन डिपेंडेंट कर्सिनोमा है ओवर टाइम क्रोनिक पोलिफरेशन विकम्स हाइपरप्लेजिया ठीक है जब क्रॉनिकली पोलिफ्रेशन होता रहता है होता रहता है उससे हाइपरप्लेजिया होता है एंड इवेंचुअली न्यूप्लाजिया हो सकता है ठीक है टाइप टू कहा गया कि इसका बेसिकली इस्ट्रोजेन से और हाइपरप्लेजिया से कोई रिलेशन नहीं है ए टेंस टू प्रेजेंट विथ हायर ग्रेड और मोर एग्रेसिव ट्यूमर ठीक है तो चले देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या होता है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग 90 परसेंट केसेस में पाया जाता है क्लिनिकल फीचर में ठीक है ब्लीडिंग इज पोस्ट मेनोपजल ओमेन इज क्लासिक अब मैंने कहा था कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो 50 प्लस एज में 50 प्लस एज में ज़्यादा होता है तो तो पोस्ट मेनोपजल एज हो गया अगर ऐसे महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग पाए तो उसे हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डाउट कर सकते हैं मैनो और मेटोबोर्जिया ये भी पाया जाता है अब चीज है जो पैप्स मेयर है ना मेयर एक ऐसा डायग्नोसिस है है जो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर में कहा करा जाता है। पर अगर हम एंडोमेट पैप्स मेयर आए उसमें कुछ पॉजिटिव या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आए ग्लैंडुलर चेंजेस आए मेयर में एबनॉर्मल ग्लैंडुलर चेंजेस आए तब हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या करना जरूरी है ठीक है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोमेट्रियम कर्सिनोमा में रेफर्ड पेन होता है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन ऑफ एब्डोमेन में ठीक है तो हाइपोगेस्ट्रियम में ठीक है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप देख सकते हैं तो सिंस पोस्ट मेनोपोजियल एज में एंडोमेट्रियल कर्सिनोमा ज्यादा होता है तो एनी ब्लीडिंग दैट इन पोस्ट मेनोपोजियल एज और बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें अब एट्रोपिक एंडोमेट्राइटिस वेजीनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है एक्सोजेनस एस्ट्रोजन क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था इस इसमा के लिए एस्ट्रोजन ज्यादा होना जरूरी है तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे बाहर से एस्ट्रोजन बॉडी को मिल रहा है एक्सोजेनस एस्ट्रोजन जो बाहर से जब ट्रीटमेंट के लिए एक्जोजेनस एस्ट्रोजन दिया जाता है तब भी हो सकता है ठीक है अब एंडोजेनस में आया गया एंडो सॉरी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल कैंसर पॉली ऑल सिमिलर एक इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कोगोलोपैथी हो सकते हैं ठीक है, है आ, तो ये इंपॉर्टेंट है देख लीजिए ठीक है तो ये था बेसिकली ठीक है अब हम बात करेंगे रिक्स फैक्टर्स के बारे में तो रिक्स फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर में आपको एम सी कुछ मिल जाता है बेसिकली ठीक है तो मैंने कहा था कि एनी कंडीशन दैट राइज इन बॉडी एस्ट्रोजन लेवल दिज आर द ऑल रिस्पेक्टर्स अगर एंडोजेनस अन एस्ट्रोजन हो बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा हो जैसे पीसीओडी में होता है रिस्पेक्टर हो गया एस्ट्रोजन बढ़ा एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स जैसे कि गनेलोसा सेल ट्यूमर्स ठीक है एनी लिवर डिजीज क्योंकि लीवर जो है ना लीवर एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है अब लीवर के प्रॉब्लम हो गया लीवर में प्रॉब्लम आया एस्ट्रोजन का मेटाबोलिज्म नहीं होगा एस्ट्रोजन का मेटाबोलिज्म नहीं होगा तो फ्री एस्ट्रोजन क्या होगा बढ़ेगा है ना पीवीएस रेडिएशन इसके वजह से हो सकता है ओबेस्ट ओमेन में ओबेस्ट ओमेन में कुछ भी बीमारी नॉर्मल एंड बीमारी से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है ठीक है ओबेसिटी में टू टू फाइव टाइम्स ज्यादा मिलता है ओबिसिटी में पी का चांस भी ज्यादा होता है अर्ली मैनर की लेट मोनोपोज इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अर्ली मैनर की लेट मोनोपोज एक महिला अपने जीवन काल में जो उनके एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज होता है तो उनके जब हाँ तक मैं ड्यूरेशन होता है उनके रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है ज़्यादातर ठीक है अगर एक्सोजेनसली भी तब ले लिया जाते हैं ओ सी पी के तहत से लेते हैं हाँ बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ओ सी पी से यहाँ पर रिक्स फेक्टेड नहीं है ठीक है पर मैंने जस्ट कहा आ, कि जो एक महिला है बेसिकली आपको एग्जाम्पल देने के लिए वो कुछ भी उनके बॉडी में अगर हॉमोन्स एक्स्ट्रा लेते हैं या नॉर्मली बेसिक जो हार्मोनल साइकिल चलता है तो उनके रिप्रोडक्टिव एज में चलता है अगर उनको अर्ली मैनर की हो गया कम एज में मेंस होना चालू हो गया मतलब कम एज मतलब से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और लेट मेनोपोज हो मतलब बड़ा से बड़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब बड़ा से बड़ा मेन्सन लाइफ टाइम मिलता है उन्हें और एंड अल्टीमेटली क्या होता है एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है नाली प्योरिटी नाली प्योरिटी में टू टू थ्री टाइम्स ज्यादा रिक्श है ऑफकोर्स नाली प्योरिटी होगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो बॉडी में प्रेगनेंसी क्या होता है ना प्रेगनेंसी बेसिकली मेंटेन्ड बाई पोजिस्टर थे थे तो यहाँ पे तो एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है अगर प्रेगनेंसी ना होगा तो यू नो इन लो एक बिग अमाउंट ऑफ पोजेस्टर रिलीज होता है उन ड्यूरेशन में तो वो उन्हें नहीं मिलता इसलिए जो मल्टीपेराटी है मल्टीपेराटी एक सेफ फैक्टर है प्रोटेक्टिक फैक्टर है एंडोमेट्रियल एंडोमेलोमा के लिए बल्कि मल्टीपेरेटी सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं रिस्क फैक्टर है डायबिटीज मेलाइटस ठीक है अब डायबिटीज आ गया तो बॉडी का मेटाबोलिज्म चेंज होता है टू टू एट टाइम्स ज़्यादा मिलता है हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन बेसिकली हाइपर टेंशन इज लेड टू एथेरोस्कलोसिस ठीक है बॉडी में एलडीएल का डेंसिटी बढ़ाएगा एल हा सेम आपका डायबिटीज से भी हो सकता है ठीक है तो एलडीएल का डेंसिटी बढ़ा मतलब एलडीएल क्या है स्ट्रोजन रॉ मटेरियल है एलडीएल से एलडीएल से बेसिकली स्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है है ना तो चांसेस ज़्यादा है एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम कैंसर का जो चांस है वो ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ठीक है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया मैंने पढ़ाया था तो सेम यहाँ पे भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से आपका एंडोमेट्रियम कैंसिनोमा तक जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है अब टेमोक्सीफेन ये एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यटर है जो जिसे एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है बेस्ट कर्सिनोमा में चीज ये चीज एनोवर्चल में कर सकता है ठीक है अनोपोज एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपोज कुछ महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं ठीक है तो उससे हो सकता है और कहीं हद तक हैरिटेटेड रहता है तो ये पार्ट वन में आज यही था बाकी कि मैं दूसरे पार्ट में डिटेल्स में बोलूँगा स्टेजिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैनेजमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कुछ कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर थैंक यू